गाइस हमारे घर के बाहर देखो कैसे जंगल सा पूरा उग गया है और अभी इस जंगल के अंदर गई हैं बकरियां घास खाने। वो देखो वो रही और ये दोनों बच्चे बकरियां लेकर आए हैं, चरवाहे हैं ये गाय और एक और बच्चा निकला। तीन बच्चे आए थे क्या? तीन बच्चे हैं। ये तीन बच्चों से इतनी सारी बकरियां संभल जाती हैं। हम लोग आए हैं यूनिफॉर्म सेंटर क्योंकि रविता आ चुकी है नर्सरी में और स्कूल वालों ने जो है नर्सरी प्री नर्सरी और केजी का यूनिफॉर्म चेंज कर दिया है तो यही अभी लेने आए। और इसकी एक्साइटमेंट चेक करो रविता की, बैटमैन वाला ड्रेस देख के ना इतना ओवर एक्साइटेड हो गया। काउंटी नर्सरी नर्सरी ये सही है, ये सही है। हाँ। चेक तो किया नहीं अभी। ये सही है अंकल, दादी ये सही है। अच्छा अभी न्यू वाला जो है न्यू ये डिजाइन बना है नर्सरी और केजी का। ये भी सही से साइज करवा लो, मुझे तो लंबा लग रहा है, दिखाना सही है यही साइज है। 16 ज्यादा छोटा है ये वाला, चेक करो। हाँ होगा नहीं, इस पे तो एज लिखी होगी 3-4। नहीं तो मम्मी स्टीकर। केजी तक चलेगा ये? हाँ केजी। अभी एक ही सही है, नहीं मतलब एक साइज बड़ा ही सही। ओके नहीं नहीं ये मुझे बड़ा लग रहा है, एक बार और चेक कर लो, वो फिर बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा। ये रीता यहाँ कंधे यहाँ आ रहे हैं। हाँ और नीचे से चेक करो ना। हाँ, अच्छा अगर आप एक नंबर साइज बड़ा लोगे ना तो वो भी चेक कर लो फिर। सही है भैया। ये पैंट है इसके साथ गर्ल्स की भी फिक्स आ रही है 22 में ना। हाँ ज़्यादा छोटा है। हाँ यही वाला सही है, ठीक है। 18 नंबर ही इसको आता है अभी रिदा को। पैंट का देख लो, पैंट यही साइज लेनी है या छोटी है? ये 22। हाँ छोटी है, मुझे दिखने में भी छोटी ही लग रही है। स्कूल बैग तो ऑनलाइन मंगवाया है मम्मी ने। मम्मी अभी आएगा? मम्मी और नहीं आया अभी तक। आएगा ना, आपको पता है ऑनलाइन शॉपिंग में तो लेट आता है। लेट क्यों आता है? बहुत दूर से आता है ना। रिद्धा को जो है ना शर्ट्स में 18 नंबर आता है बट पैंट में जो है ना 22 नंबर आता है। अभी जो है इन्होंने 20 नंबर दिखाया तो वो इसको वाकई में छोटा ही है क्योंकि मुझे पता है मैं इसको पहनाती हूँ ना तो 22 नंबर उसको सही आता है। तो अभी हमने 22 नंबर मंगवाया है पैंट्स में। देखो ये आ गया। आप ये तो देखें करो लाइक ऑलवेज जिद है बस राशि इसको कितना। हाँ कितना ही समझा के लाओ, जिद तो करनी है। बेल्ट होता है इसका? तो बेल्ट अलग से लेने जाएंगे तो मिल जाएगा, तो बेल्ट इसके साथ देंगे। हाँ वेस्ट इसको आएगी पर बिना बेल्ट के। देखी जी क्या कह रही हो? मुझे ऐसी मारी बोलने नहीं लेते जाने। वो भी आपको हमने न्यू दिलवाई थी ना। नहीं वो वाली नहीं लेते जाने। फिर कौन सी लेकर जानी है? ओहो ये तो मुझे अच्छी नहीं लग रही। चल पार्सल में खुद ही आ जाएगी, इतना बड़ा पार्सल है। बैठ जाओ इसमें। यहाँ पे देखो आज जरा अम्मी ने बनाया है घर में ही हलीम, और हलीम का फेस चेक करो कितना माशाल्लाह कितना अच्छा, बिल्कुल बाजार जैसा हलीम है। इसके अंदर अम्मी ने सारे हलीम के जो लवाजमात होते हैं ना ग्रीन मसाला जिसे कहते हैं वो सब कुछ भी ऊपर से गार्निश कर दिया है, और यहाँ पे अलग से भी सारा कुछ बना के रखा हुआ है क्योंकि कुछ कुछ हम जैसे लोग होते हैं जिन्हें एक्स्ट्रा मिर्ची वगैरह ऊपर से डाल के खाने में बड़ा ही मज़ा आता है। तो ये सारा कुछ है हम लोगों के लिए कि
ऊपर से डाल के खाएं, और बाकी हलीम के अंदर भी डाल दिया है। और जब इसको डिश आउट करेंगे तब एक बार और मैं इसका लुक दिखाऊंगी। वैसे किस खुशी में बनाए आज ये हलीम? अरे वो आसिफ कहने लगे कुछ भी नहीं दिल कर रहा, मैंने क्या खाओगे, कह रहे दिल ही नहीं चाह रहा। मैंने बस ऐसे ही बोला, मैंने कहा हलीम बना दूँ, इतना खुश हुए आसिफ, इतना खुश, कह रहे हलीम बन जाएगा। मैंने कहा हाँ, राशिद को भी माशाल्लाह बहुत पसंद है, आसिफ को भी माशाल्लाह बहुत पसंद है। नहीं पसंद तो मेरी और आपको नहीं, मुझे भी पसंद है, मैं भी बहुत खाती हूँ। मुई जफान इतना नखरे दिखाएंगे, हलीम ये बना लिया तुमने? हाँ वो नहीं खाते, बाकी मुझे भी बहुत पसंद है अम्मी के हाथ खाली। उस दिन ना मुहर्रम पे चच्ची के घर गए थे ना न्याज दिन, चच्ची ने भी बनाया हुआ था, बिल्कुल तुम्हारे हाथ जैसा जायका, वो अभी हमने बहुत मजे से खाया। ये देखो कितना जबरदस्त, यहाँ पे है, इसने सिर्फ ये देख के लिया है। रिदा रिदा क्यों बड़ा पैकेट ले, कहने लगा नहीं यही ले लो। मैंने कहा क्यों, देखो इस पे लिखा है रिदा। ये देखो जरा, मार्ट से ये रिदा नाम की प्याज लेकर आए कि जिस पर रिदा लिखा हुआ है। और वैसे मैंने ध्यान भी नहीं दिया था कि इस पर रिदा लिखा है, मैं ऐसे ही प्याज दिखा रही थी कि ये प्याज भी हम लोग ऊपर से डाल के खाएंगे। इस पर डाल ऊपर से डाल लेंगे ना, जिसे डालनी होगी। ठीक है चलो, तो कह रहा है देखो रिदा लिखा हुआ है इसलिए यही ले लो। मैंने कहा चल लो। और यहाँ पे राशिद हो गए हैं गंजे। गंजे क्यों हुए हो राशिद? मेरी मर्जी, बता दो। हमने फैशन किया है, मिर्हा के साथ फैशन करने के लिए राशिद हो गए हैं गंजे। मैचिंग। लेकिन आप गंजे के बहुत अच्छे लग रहे हो राशिद, तो ऐसे ही रहा करो गंजे। हाँ मुझे अच्छे लग रहे हैं गंजे होके। लीमू है। और ये देखो हलीम निकालने के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, डुंगिया यूज कर रहे हैं, इससे ना एक दफा में ज्यादा आ जाता है। अभी निकाल लूंगी, अंधेरे में पौधे ना बनाया, सारे काम अंधेरे में हो गए। ये देखो, हाँ सही है, ये दिखा दिखा, ये वाला अच्छा लगा मुझे यूनिफॉर्म। इस पे ना वो मेला भी जल्दी नहीं होगा, धूल आसानी। मिर्हा ने भी आज देखो कितने प्यारे से कपड़े पहने हैं, सबसे ज्यादा गर्मी मिर्हा को लग रही है। गुड़िया गुड़िया है ये तो, कितने प्यारे कपड़े पहने हैं आज मिर्हा ने। मिर्हा के कपड़े मेरे से इतने अच्छे हैं, आपके भी अच्छे हैं, मिर्हा के भी अच्छे हैं।